नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा के इनेलो ज्वाइन करने पर विज ने कसा तंज। गृह मंत्री ने राहुल और प्रियंका गांधी को भी लिया घेरे में। राफेल का दूसरा बैच भी आएगा अंबाला एयरबेस। नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकते हैं 3 से 4 विमान। कपास की खरीद को लेकर किसान काफी नाराज, नहीं मिल रहा कपास का उचित भाव। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता देश में आग लगाना चाहते हैं। विज ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका दो दो बार हाथरस जा चुके हैं, लेकिन राजस्थान या जिस भी प्रदेश में ऐसी वारदातें होती हैं वहां ये नहीं जाते। इसका मतलब साफ है कि बलात्कार और हत्या के खिलाफ ये नहीं है, वे इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने रादौर से बीजेपी के पूर्व विधायक व पूर्व CPS रहे श्याम सिंह राणा के इनेलो ज्वाइन करने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह तो प्रवासी पक्षी हैं, आते जाते रहते हैं, कभी किसी डाल पर तो कभी किसी डाल पर। लद्दाख में LAC पर चीन से तनातनी के बीच राफेल विमानों का दूसरा बैच भी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में लाने की तैयारियां चल रही हैं। यहां 3 से 4 विमानों का बैच नवंबर के पहले सप्ताह में पहुंच सकता है। अंबाला एयरबेस में राफेल विमानों का पूरा ढांचा तैयार हो चुका है। राफेल विमानों की सबसे पहले गठित की गई 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कुछ पायलट अभी भी फ्रांस में हैं, जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ये पायलट ही राफेल विमानों के दूसरे बैच के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग कराएंगे। अंबाला में 29 जुलाई को 5 विमान का पहला बैच आ चुका है। उचाना मंडी के अंदर कपास की खरीद को लेकर किसान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनके कपास का उचित भाव उन्हें नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि कपास की फसल का जो भाव उन्हें मिल रहा है उसमें सिर्फ लागत ही पूरी हो रही है। वहीं किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर भी नाराजगी जताई। बलिया जी, किस प्रकार से कैसे खरीद हो रही है? कुछ नहीं होती भाई, पांच से तड़ा तड़ा पीक टहर कह दिए 52 से 52 रुपए कहे हैं। 60 के दे दे हूं कहने का क्यों यार, अया दे देख ले 5000 तक हट के की है सूखी कपास है आधी। किसान कितने खुश नजर आ रहे हैं, मतलब सारे खुश तो जमा चेहरे जमा कीमे दे ले तो खुश तो हुंदा कोई क्यों लक्षण ही हो रहे हैं। या कितनी महंगी है कि इतनी दवाई गरीब के तो लाल कीड़ा होने करके वे और भी कर दियो और भी कर दियो और फिर भी भाव भी लगता खुश हो गया सांझा ने मूंगफली पूछा नहीं जानता। चौटाला जी, यहां से फिलहाल में विधायक है, आज तो आप इस प्रकार से दुष्यंत चौटाला को यहीं से जिताया गया था और विधायक भी बनाया गया था। अंजू गादा बाप देवीलाल वाली नीति पे ही तो बोले छोरा सही रहेगा जमा सही है देखने नहीं पांदा बोले 20 तारीख में तो पक्का होगा भी नमें वो कड़िया नहीं आंदा। मतलब किसान दुष्यंत चौटाला जिसमें खुश नहीं है और बिक्री से भी खुश नहीं है। कुण नहीं खुश है, सारे जीरी वाले हुए कुकावा है कुण सी है देख ले पादरा है इतने नहीं बिके नहीं लोगों का इतने तो बोले खरीद को चलू हुई ये उन्होंने ला दिया भी कहे बोले सरकारी रेट में ले ले बाजरा आगे अच्छा है कौन ले आऊगा किसके ले आऊगा। MSP किस प्रकार से मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही है MSP, किस कौन मिल रही किसने मिली है। 6 दिन से कलात अनाज मंडी में PR धान लेकर पहुंचे किसानों की धान की खरीद ना किए जाने से किसानों ने हैफेड प्रबंधन के खिलाफ जानबूझकर परेशान करने में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस दौरान किसानों ने प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। मैं किसान हूं, मैं इस डेयरी को लेकर 6 दिन से आया हुआ हूं। मेरी समस्या यह है कि डेयरी का मास्टर हूं 15 मास्टर आने के बाद उन्होंने कहा इसमें टुकड़ा लेंदा को नहीं। मेरी दूसरी डेयरी का मास्टर है 17.1, उसको वह कह रहे हैं इसमें मास्टर 17 पॉइंट से ज्यादा है। एक पॉइंट बदल DM और प्रसूति मैनेजर ये मिलीबग करे हुए हैं। 6 दिन तमाम परेशान हाँ, हमारी समस्या को समाधान को नहीं, ये पक्षपात कर रहे हैं और इसमें भ्रष्टाचार की बू है। इससे पहले भी इसकी कई शिकायत जा ली और सरकार इस पर लगाम नहीं कसने जा रही। मैं सरकार को सचेत कर देना चाहता हूँ, अगर सरकार किसानों के साथ अन्याय करेगी तो उसको आगे भविष्य में और विरोध उपचुनाव में इसके गहरे परिणाम देखने को मिलेंगे। करनाल की मंगल कॉलोनी में सुबह 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतक जोगिंदर 50 वर्ष, मृतक अरुण 30 वर्ष, दोनों ही एक घर में रहते थे। अरुण जोगिंदर का मासड़ यानी नजदीकी रिश्तेदार था। अरुण काफी समय से पहले मासड़ के घर पर ही रह रहा था। 2 लाशों को देखकर इलाके में दहशत का माहौल छा गया। वहीं CIA पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। अभी लग रहा है कि किसी शार्प वेपन से
ये वार किए गए हैं। बाकी पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहब क्लियर कर देंगे कि किस तरह का वेपन है, कैसे वार किए हैं। दोनों को चाकू बताए जा रहे हैं, दोनों को मारे गए हैं, उनका रिश्ता आपस में क्या? अभी देखने में यही लग रहा है रिश्ता आपस में, जोगिंदर जो है, एक जोगिंदर है जो मृत पाया गया है जिसकी उम्र 50 के लगभग है, एक अरुण है जो 25-30 के लगभग है, और अरुण जोगिंदर का रिलेटिव है, मौसी जो जोगिंदर का लड़का हमें यहाँ मिला है जो बता रहा है कि अरुण मेरी मासी का लड़का है, यूपी से हैं ये बेसिकली। तो अगली कार्रवाई की क्या की जा रही है? बस अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, हमारी सभी टीमें लग चुकी हैं, CIA आए हुए हैं। नारायणगढ़ में हुए किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए 6 किसानों की जमानत हो गई है, जिसकी पैरवी एडवोकेट रोहित जैन जिला कोषाध्यक्ष कांग्रेस अंबाला ने की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि थाना नारायणगढ़ में जो धाराएं लगाई गई थी वह नहीं बनती थी। उन्होंने कहा कि सब वकील साथियों ने किसान भाइयों के लिए पैरवी की है क्योंकि ये झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सबने मिलके अपने किसान भाइयों के लिए पैरवी की क्योंकि इनके झूठे मुकदमे दर्ज थे। आप सब मीडिया के साथी वहां पे मौजूद थे, मौके पे आम जनता थी, सबने देखा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था और जिस प्रकार मामले को मोड़कर इस जो शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज किए, इनका अदालत ने भी हमने इस बात को रखा कि जो धाराएं लगाई हैं चाहे 316 नंबर FIR की जैसे हम बात करें जिसमें इनको गिरफ्तार किया था, वो धाराएं 8B जो है वो नहीं बनती थी इसमें। क्लात में अग्रवाल समाज सेवा समिति की ओर से गरीब कन्याओं का विवाह करवाया गया। इस विवाह सम्मेलन में राज्य मंत्री कमलेश ठांडा ने मुख्य रूप से शिरकत की और नव विवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देकर और उनका आशीर्वाद दिया। इस दौरान अग्रवाल समाज सेवा समिति को ऐसे सामाजिक काम करने के उपहार में 2 लाख की राशि भेंट की गई। साथ ही मंत्री कमलेश ठांडा बोले कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जो गरीब कन्याओं को 21,000 की राशि दी जाती थी उसे बढ़ाकर 51,000 कर दिया है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला TIME TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।